हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वयं कला। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेराकोटा ज्वेलरी, जिसको कि हम बनाएंगे मोल्डेड की हेल्प से। इस ज्वेलरी को बनाना बहुत ही आसान है और न ही हमें यहाँ पर बेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही जल्दी और आसानी से हम इस ज्वेलरी को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है फैब्रिक मोल्डेड और दोनों क्ले को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी टैल्कम पाउडर की हेल्प से। और अब यहाँ पर मैं इस क्ले को रोल कर रही हूँ। फ्लैट करने के बाद जिस किसी डिज़ाइन का आपको ज्वेलरी बनाना है वो आप कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन आपको बना के दिखा रही हूँ। बचे हुए क्ले को भी हमें यूज़ कर लेना है ईयरिंग के लिए। कटिंग के बाद बचे हुए मोल्डेड को भी हमें यूज़ कर लेना है, जिनको कि हम यूज़ करेंगे छोटे छोटे बीट्स बनाकर। ये भी हमें यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग में काम आने वाले हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बीट्स बनाकर भी आप रख लीजिए। अब मैं इम्प्रेशन देने के लिए डिफरेंट कैप्स ले रही हूँ, जिनके साइज़ डिफरेंट हैं। आप अपने पेंडेंट के अकॉर्डिंग कैप्स के डिज़ाइंस घटा या बढ़ा सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इम्प्रेशन देना है इस तरीके से। छोटे बड़े इम्प्रेशंस अलग अलग साइज़ के पेन की हेल्प से भी मैं यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स के इम्प्रेशन दे रही हूँ। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करने के बाद इस तरीके के इम्प्रेशंस आ जाएंगे। नीचे की तरफ मैं टूथपिक की हेल्प से भी प्रेस करके इम्प्रेशन दे रही हूँ इस तरीके से। और ऊपर की तरफ भी हम टूथपिक की हेल्प से एक होल कर देंगे, जो कि हमें बाद में हैंग करने के काम आएगा। सेम प्रोसीजर हमें ईयरिंग के साथ भी करना है, जो हमने बचे हुए मोल्डेड से बनाया था। आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्रेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टैल्कम लेके बेस पर हम पेंडेंट को रख देंगे। और अब बारी आ गई है नीचे बीड्स लगाने की, जो मैंने पहले रेडी करके रखे थे इनको, कि नीचे की साइड में पेंडेंट की नीचे की तरफ इनको कि मैं पेस्ट करूँगी। इस तरीके से चारों तरफ बीड्स लगा लेंगे और अब कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पर्ल ब्लू कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंपल एक्रिलिक कलर अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं। नीचे बीट्स को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर कॉपर कलर यूज़ कर रही हूँ। इसको भी आप गोल्डन कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। इम्प्रेशन को ऊपर कलरिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंदर की तरफ कलर ना जाए। बहुत ही हल्के हाथ से इम्प्रेशंस के अंदर हमें कलरिंग करना है, ताकि हमारे इम्प्रेशंस का लुक ख़राब ना हो। अब जो हमने ऊपर होल बनाया था, इसमें एक रिंग फिक्स कर देंगे, लेकिन ये काम हमें ड्राई होने के बाद ही करना है। जब हमारा पेंडेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसमें अपने पसंद की माला या धागा डालकर अपनी ज्वेलरी को रेडी कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके की ज्वेलरी बनाई है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सेम इयररिंग्स बना लीजिए। तो आप भी बनाइए अपने पसंद की ज्वेलरीज़, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। So thanks everyone for watching. Don't forget to like and subscribe and press bell icon for my upcoming videos notifications.